पर गर्म होके मत बोलना, ठंडे होके बोलना। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो इशू है, ये इशू बड़ा ज्यादा संवेदनशील है। आदरणीय उद्योग मंत्री जी इस विषय के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी रखते हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आपके पास कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए क्यों आएगा? आप लोगों ने डीजल बढ़ा दिया, आप लोगों ने बिजली बढ़ा दी, आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन फीस बढ़ा दी, आप लोगों ने कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण से कोई अट्रैक्शन रह जाए, जिसके कारण से इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आए। ये मेरा इशू था, बर्निंग इशू है। और ठीक है, आपने एक मौका देंगे आप दोबारा करने का, शायद उस समय ये चीजें ना रहे, क्योंकि आप तो लगातार गलतियां करते जा रहे हैं, आपने कोई कैटेगरी नहीं छोड़ी। आज हिंदुस्तान के अंदर हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाला बन गया, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी यहाँ पे हो गई। और हमने जो जो बातें बोली हैं समय समय के ऊपर, और ये यहाँ बोला जाता है ग्रीन एनर्जी, आप लोगों ने तो डीजी सेट और सोलर जनरेशन के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री जी को सारी रियलिटी का पता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ये जो सरकार है, इस सरकार में जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आदरणीय श्री सुखू जी इनकी बात नहीं सुनते, उनको इनकी बात नहीं समझ आती और इनको उनकी बात समझ नहीं आती, इसलिए ये सारा मामला फंसा है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आदरणीय उद्योग मंत्री जी हिम्मत रखें ना थोड़ी, और हिम्मत रख के अपनी बात कहें, हम आपके साथ हैं। अगर प्यार से बात रखनी होगी तो प्यार से रखेंगे, अगर तकरार करनी होगी तो करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहेगा तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी। इतना ही मेरा निवेदन। थैंक यू वेरी मच।